ये सब कुछ तुम्हारे इस लव स्टोरी के चक्कर में हुआ है। पर सच कहूँ स्वाति, ऐसा प्यार तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है। लड़की बचपन से अपने हीरो के सपने देखती है और अचानक ही वैलेंटाइन की रात उसका प्रिंस चार्मिंग उसे मिल जाता है। असल जिंदगी में भी भला कभी ऐसा प्यार होता है? तो कैसा होता है, हम भी तो सुने। वेल, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट एग्जैक्टली। प्यार तो बस हो जाता है यार। अब देखो ना, कोई भी आम लड़की हमारे जैसी, उसे उसका सच्चा प्यार, सच्चा साथी कभी भी और कहीं भी मिल सकता है। कहीं भी? हाँ, कहीं भी, यहाँ तक कि ट्रेन की इस भीड़ में भी। वो भले ही तुम्हारे इस नॉवल के हीरो की तरह ऑलराउंडर ना हो, पर अपने आप में बेस्ट तो हो ही सकता है। उसकी जिंदगी में आने वाली लड़की को वो सुख भी दे सकता है और हिफाजत भी कर सकता है। अरे क्या कर रहे हो? ये लोग भी ना। अरे क्यों भाई साहब, क्यों मार रहे हैं? क्या करें, भीड़ है। तू बीच में कहां से आ गया? ये तीनों मेरे साथ है, कोई तकलीफ? क्या लगती है तेरी, बहन? बहन हो, बीवी हो, आपको क्या? बीवी ही लगती होगी तभी इतना लाल पीला हो रहा है। चल भाई। देखिए इस बार तो मैंने संभाल लिया, मगर इससे आगे ध्यान रखिएगा। जी, थैंक यू। भीड़ के समय जेंट्स कंपार्टमेंट में चढ़ना लड़कियों के लिए ठीक नहीं। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग बुरे होते हैं, मगर मजबूरी का फायदा उठाने वालों की भी कमी नहीं है यहाँ। चलो ना अर्चना। अर्चना, अर्चू आई? ताई घर पर नहीं है, तुमने ही भेजा ना उसे माधुरी के साथ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अरे सुन इधर आ, वैशाली तू भी आ। ये देख, ये साड़ियाँ अच्छी है ना? ये साड़ियाँ मैंने शादी में पहनने के लिए निकाली है, तुम्हारे लिए, अर्चू के लिए, वैशाली के लिए और मेरे लिए। अब बस मंजू की आई के लिए साड़ी खरीदनी है और अजीत के लिए कुर्ते का कपड़ा। आई, मैं शादी में साड़ी नहीं पहनूंगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ हमें वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं है। बहनी की आई का रवैया देखा ना तुमने, हमें नीचा दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ा। आपके घर में एसी नहीं है, यहाँ पे पार्किंग की कितनी प्रॉब्लम है, कितनी गर्मी है। चुप शैतान, बातें कम कर, वो प्रेस ऑन कर। हमारे घर पर आकर अगर वो हमें इतना कुछ सुना सकती है तो उनके वहाँ जाने पर पता नहीं। रिश्तेदारी निभानी पड़ती है, और मैं तो तीन तीन बेटियों की माँ हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों की शादी अच्छे परिवार में हो, तो मुझे ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाए रखना होगा। फिर वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? आई प्लीज, ये घिसी पिटी बातें करना बंद करो। ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, हमें क्या जरूरत है किसी के बारे में सोचने की? अपने आप पर भरोसा हो उतना काफी है। अरे लेकिन तुम नहीं समझोगी आई,
तुम चाहे जो भी करो, बहनी की आई को वो पसंद आने वाला है नहीं। एक तो हमें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, और अगर जाना ही है तो अपने हिसाब से जाएंगे। हर चीज अपने हिसाब से नहीं होती आई। हम जिस समाज में रहते हैं ना, उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ता है। और फिर मंजू के बारे में सोच, उसे कितना बुरा लगेगा। आई वो कभी सोचती है हमारे बारे में? अरे छोड़ो ना, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहती, मेरा चुप रहना ही बेहतर है। इतना कुछ समझती है ना, तो मेरे साथ बहस क्यों करती है? क्योंकि मेरा दिल टूटता है जब तुम उन लोगों के लिए अपने आप को तकलीफ देती हो। अरे ओफो, हम उन लोगों के कारण आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं? चल लीव इट, चल। पता नहीं ये लड़कियां दुनियादारी कब सीखेंगी। अरे ये विनोद की रिंग यहाँ। अरे विनोद, ये तुम्हारी अंगूठी गलती से मेरे पास रह गई। आई तो ठीक है ना, तुम्हारे पास हो, मेरे पास नहीं। नहीं, ये तुम्हारी सासू भाई ने तुम्हें दी है, तेरे पास रहे तो। अखो भाई, मंजुषा इतनी खरीदारी? हाँ आई, मेरे सगे भाई की शादी है अजीत की। अब अजीत ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मुझे भी उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। हाँ मगर इतने सारे पैसे। अरे पैसे का क्या है आई, वो तो अगर इंसान के दिल में इच्छा हो ना तो अपने आप मैनेज हो जाते हैं। पता है मैंने अपने 3 महीने की सैलरी सब पर खर्चा की है। विनोद, मैं तो अजीत की शादी के गिफ्ट को लेकर टेंशन में हूँ। अब मेरी आई ने तुम्हारी आई और तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, हमें उसका दुगना तो करना होगा ना, तभी तो इस घर का मान बना रहेगा। मंजू लेकिन। अरे ठीक ही तो कह रही है वो, सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे तो शायद हो ही जाएगा। विनोद, अरे विनोद मेरी बात सुनो ना। फिर अगर 1000 रुपए भाजी वाले का होता है, इस बार किराना क्या बढ़वा रही है अपने आप में? अरे क्या हुआ, सुनो तो, सुलोचना। डायरी मैंने यहीं कहीं रखी थी। क्या डायरी? ये लड़कियां कहाँ रखती है ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। सुलोचना सुनो तो, क्या हुआ? और ये परेशान क्यों, पैसों का हिसाब नहीं मिल रहा क्या? नहीं नहीं, जो हाथ में है ना उसमें घर खर्चा तो इस महीने का निकल ही जाएगा, लेकिन आने वाले नए खर्चे के लिए क्या करूं? देखिए तो जरा घर खर्चे में कटौती करूं तो कहां करूं? लेकिन नया खर्चा है क्या? अजीत की शादी है ना, उसके होने वाली बीवी के लिए गहने तो बनवाने होंगे सोने के। इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है, विनोद की शादी में विनोद की चाची ने जो चेन दी थी उससे काम चला लेंगे। उससे क्या होगा, वो तो सिर्फ 2 तोले की है, इस वक्त हमारी जरूरत ज्यादा है। मंजू की आई ने जो दिया है उससे दुगना ना सही, लेकिन कम से कम उतना तो हमें देना ही होगा, कम से कम 5-6 तोला सोना। जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। आप समझ नहीं रहे हैं, मंजू की आई ने मंजू और विनोद की शादी में कितना कुछ दिया था उन दोनों को, अब अगर उनके बेटे की शादी में उनका हम कुछ ना करें तो बाप रे बाप। सुलोचना उनकी हमारी क्या तुलना, और क्यों तुलना करनी? देखिए हमारे लिए ना सही, लेकिन हमारी बहू के लिए तो हमें करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि वहाँ उसके मायके में उसकी बेइज्जती हो। सोने का भाव पता है क्या है, 14,890 रुपए तोला, और जो तुम 5-6 तोले की बात कर रही हो ना, 1,00,000 रुपए से कम का हिसाब नहीं है। 1,00,000 रुपए? लेकिन कुछ तो करना ही होगा ना। कैसे करोगी ये सब? आज तक मैंने घर खर्चा संभाला है ना, मैं कर लूंगी। अहो तुम ही चिंता नका करो, मैं देख लूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा, कर। करना तो पड़ेगा ही, लेकिन कैसे करूंगी? ये तेरे पे खूब जमेगी। हाँ अच्छी तो है, पर उन्होंने शादी के लिए जो सूट सिलवाया ना उसके साथ मैच नहीं करेगी। हाँ हेलो। हेलो माधुरी। हाँ काकू बोला। वो अर्चू? जी मेरे ही साथ है, एक मिनट। हाँ अर्चना आई। आई का फोन है। हेलो अर्चू, तुम्हें तो बहुत देर हो गई इसलिए मैंने फोन किया, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। आई वो मैं माधुरी के साथ उसकी शादी की साड़ियाँ लेने आ गई थी, बस उन्हीं देर हो गई। काम हो गया है, बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। अच्छा सुन, अगर तू साड़ी की दुकान में है तो एक काम करोगी,
हाँ? मंजुषा के लिए एक साड़ी खरीद कर लाओगी? उसके भाई की शादी है तो मैंने सोचा। ठीक है आई, मैं लेकर आती हूँ। और सुन, ज्यादा महंगी नहीं है? ज्यादा से ज्यादा 700 या 800 तक। आई, तू चिंता न करो, जल्दी आना। बाय। चल, हो गई तेरी कार ठीक। थैंक्स यार, अगर आज तू वक्त पे ना आता तो ये गाड़ी यहीं छोड़ के जानी पड़ती दादर में। एक बात बता, कितना हुआ? तू मुझे पैसे देगा? पागल हो गया? वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, इसी शॉप में आया था, एक जैकेट खरीदनी थी। एक काम कर, चल तू भी चल। नहीं यार, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। 5 मिनट में आते काम निपटा के। माधुरी, ये वाली साड़ी वहीं पे कैसी लगेगी? अगर प्यार से पहनेगी तो अच्छी लगेगी, लेकिन अगर हमेशा की तरह गुनगुनाते हुए पहने ना तो। एक काम करना, तू ये साड़ी ट्राई करके देख, अगर तुझ पे अच्छी लगी ना तो उन्हें जरूर पसंद आएगी। नहीं नहीं। अरे जा ना, कर ना ट्राई। गुड मॉर्निंग, कैसी है? थोड़ी लेंस ज्यादा है। चल मैं एक मिनट। हाँ अच्छी है ना? हाँ अच्छी है। तो ले लेना, मुस्कुरा क्या रहा है? अरे नहीं, मैं बस ऐसे ही देख रहा हूँ। देख मानव, मैं दिला रहा हूँ, पसंद है तो ले ले। यार तरुण पसंद है, लेकिन इतनी पसंद नहीं कि खरीद लूँ। पसंद नहीं तो छोड़ना, फिर कोई और शर्ट देख ले। इतने में जैकेट ट्राई करके आता हूँ। हाँ। जरा देख। जी आप किसी को ढूंढ रहे हैं? अब क्या करोगी? कहां से लाओगी इतने सारे पैसे? कुछ तो करना ही होगा ना। ये तुम्हारी समधन भी ना, कल जब मैंने उसे तुम्हारे यहाँ आते हुए देखा था ना, तभी मैं समझ गई थी कि ये कुछ ना कुछ टेंशन जरूर साथ लाई होगी। मटर कैसे दिले दादा? मैम 65 रुपए किलो। 65 रुपए किलो, ठीक भाव बोलो भैया। क्या करूं ताई, ऑफ सीजन में यही रेट चलता है। ऐसा ही होता है सुलोचना, इसीलिए जब भी सीजन रहता है मैं मटर खरीद के फ्रिज में रख देती हूँ, फिर चाहे भाव बढ़ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जब चाहूँ सब्जी बना के खा सकती हूँ। लाख रुपए की बात की तूने कांता, बचत का यही तो फायदा है, अगर पहले से ही कुछ सेव करके रखो तो दाम बढ़ने के वक्त वही तो आड़े वक्त में काम आता है। क्या सोच रही है तू? लगता है मुझे रास्ता मिल गया है इस मुसीबत से छुटकारा पाने का। जी आप किसी को ढूंढ रहे हैं? सॉरी वो मैं गलती से थे माना। कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे तू देख जल्दी से। अरे अर्चना कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। वो कौन था तेरा दूल्हा? कौन वो? अरे वही जिसके साथ तू अभी बात कर रही थी, दिखने में भी अच्छा खासा था। क्या कह रहा था? चल कुछ भी कहती रहती, मैंने तो उसकी शक्ल भी ध्यान से नहीं देखी, वो तो गलती से
यार मैंने गलती से उसका दरवाजा लॉक कर दिया, फिर ढंग से सॉरी भी नहीं बोला, पता नहीं क्या सोच रही होगी वो। छोड़ना यार, होता है कभी कभी ऐसा, फिर कभी बोल देना सॉरी। यार थरुण, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी है, क्या बोल रहा है तू? चल ओ मानव, देख यार कितनी सुंदर लड़की है। अरे देख तो सही कितनी सुंदर लड़की है यार। अर्चना क्या सोच रही है, कहीं उस लड़के के बारे में तो नहीं? धत, मैं क्यों सोचूंगी उसके बारे में? अगर नहीं सोच रही है तो सोच ना मेरी जान। जब तक अच्छे लड़कों के बारे में सोचेगी नहीं, तब तक अच्छा लड़का मिलेगा कैसे? देख ना, जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना, हम नाक की सीध में चलने वाले लोग, आई जिससे बोलेगी उससे शादी। वो काम मेरा नहीं है, आई जिससे चाहेगी मैं उसी से शादी करूंगी।